ये देखो, वैसे इसी लेटर पे लिखा हुआ था जो इन तो लोगों ने बहुत बढ़िया ऐसे सरप्राइज प्लान किया था मेरे लिए। ये देखो काउंटर टैक्स का ये लेटर आ रहा है। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी योगे में। तो खुश मैं हूँ क्योंकि भाई हमारे इंस्टाग्राम पे फाइनली 10K हो गए हैं और कल ही हुए हैं। और एक और चीज़, कल जो मैंने वीडियो रात को अपलोड पे लगाई थी, सुबह उठी मतलब अभी सो के उठाऊँ मैंने देखा वो अपलोड ही नहीं हुई है। कोई ना कोई दिक्कत आ गई है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको अपलोड हो जाए। और क्योंकि वो 10K की सेलिब्रेशन जो करी है हमने उसके ऊपर वीडियो थी, बट मैं पता नहीं भाई हुई नहीं अपलोड। मेरे को लगा था, मैं तो रात को स्केड्यूल करके सो जाता हूँ, बट एनीवेज इस वीडियो में तो मैं बताता हूँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट। मेरे पास ना अभी ये लेटर आया है, ये देख रहे हो, ये लेटर आया है। इस पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू डोंट पे द अमाउंट एज रिक्वेस्टेड अबव देन कोर्ट एक्शन टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल कमेंस। तो ऐसा नोटिस क्यों आया है, किस लिए आया है वो मैं बताऊँगा आगे इस वीडियो में। बट हाँ, ये है रिगार्डिंग काउंसिल टैक्स। क्योंकि अब मैं स्टूडेंट नहीं रहा तो मेरे को काउंसिल टैक्स भरना है। कैसे भरना होता है, क्या स्टूडेंट स्टेटस ख़त्म होने के बाद क्या प्रोसेस होता है, और कैसे तुम अगर स्टूडेंट हो तब तुम्हें चाहिए ऑफ काउंसिल टैक्स से, वो कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई मैं अभी जिम से आया था, ये देखो काउंसिल टैक्स का ये लेटर आ रहा है। नेहा भी आई है, पाजी है यहाँ पे साथ में, और नेहा भी है। व्लॉग स्टार्ट कर दिया, मैं तो व्लॉग ही कर रहा था पहले से ना। इसको पता नहीं तोड़ दे, दिखा रहा काउंसिल टैक्स के बारे में। क्या कर रहे हो तुम? तो भाई मेरे को कुछ फिशी सा लग रहा है, ये लोगों ने कुछ तो कर रखा है, कुछ तो है, ये सारे मिलके कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो गाइस देखो 10K की दूसरी सेलिब्रेशन हो रही है। इन लोगों ने बहुत बढ़िया ऐसे सरप्राइज प्लान किया था मेरे लिए, बैंक कार्ड खराब कर दिया, केक है, पार्टी पॉपर्स थे, बैलून है, पाजी है, ट्राईपॉड है भाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। साफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। ये देखो, वैसे इसी लेटर पे लिखा हुआ था जो तुम्हारा बैंड है ना, वी चार्ज काउंसिल टैक्स ऑन होस्ट होम्स इंक्लूडिंग मोबाइल एंड हॉल बोर्ड। देख लो, इवैल्यूएशन होती है प्रॉपर्टी की एस्टिमेटेड वैल्यू के हिसाब से, तो बैंड ए में आती हैं जिनकी अप टू एंड इंक्लूडिंग 40,000, बैंड बी में आती 40 से ऐसे करके भाई, फिर उसके हिसाब से बैंडिंग के हिसाब से काउंसिल टैक्स बनता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें।